गोला थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में खेत में आवारा पशु के चले जाने को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय प्रेमलता पुत्री नंदलाल यादव की हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में मृतिका की माता फूलवासी देवी की तहरीर पर गोला थाना में आरोपी अमरनाथ तिवारी पुत्र बलराम तिवारी निवासी जगदीशपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर व 15 और 16 वर्षीय बाल अपचारी निवासी करनौती थाना गगहा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 9 घंटे के भीतर घटना का अनावरण करते हुए संबंधित मुख्य अभियुक्त बाल अपचारी एवं उसके मामा अमरनाथ तिवारी को ग्राम भूपगढ़ थाना गोला से आला कत्ल राड नुमा नुकीला गुप्ती के साथ पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गोला संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक जयराम यादव, राजेश कुमार यादव, अनिल कुमार यादव, कांस्टेबल बच्चेलाल, अनिकेत यादव, प्रवीण कुमार तिवारी, नूरुद्दीन खान शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, कल थाना गोला का जगदीशपुर गांव है, वहां पे रात्रि में एक सूचना आई थी कि एक बच्ची है जिसको गुप्ती से मार के उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जो मृतका है उसकी माँ से तहरीर प्राप्त हुआ था, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त नामजद किए गए हैं, जो मुख्य आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो एक नाबालिग है, बालअपचारी है, और उसके मामा को गिरफ्तार किया गया है और आला कत्ल बरामद किया गया है। मौके पे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।